नमस्कार दोस्तों, अभी अभी हावड़ा से सिकंदराबाद जा रही फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुई भीषण रेल हादसा। आग लगने से फलकनुमा एक्सप्रेस के साथ बोगी जलकर हुई खाक। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। आखिर इस हादसे में कितने लोगों की जान गई और कितने यात्री घायल हो चुके हैं? आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई और कब हुई? क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, ट्रेन से जुड़े हादसे इन दिनों डरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लगातार कोई न कोई रेल हादसा देखने को मिलती है। क्योंकि बीते महीने उड़ीसा के बालासोर में हुए कोरामंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रेन से जुड़ी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नाम सुनकर लोग चौंक रहे हैं। इसी कड़ी में एक और घटना शामिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस में अचानक से आग लग जाती है। वो भी एक बोगी में नहीं, तीन बोगी में नहीं, सात बोगी में आग लग जाती है, जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये घटना शुक्रवार सुबह 11 बजे की है। जी हाँ, तेलंगाना के मोम्मीपल्ली और पिगडीपल्ली के बीच ट्रेन में आग लग जाती है। इसके बाद ट्रेन को रोक दिया जाता। जैसे ही ट्रेन में धुआं निकलते देखा गया, तब यात्रियों को एक्सप्रेस से सुरक्षित उतार दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी के जान जाने की खबर नहीं है, ना ही किसी यात्रियों की घायल होने की खबर है। और किस कारण से ये आग लगी, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। इसके अलावा हाल ही में बिहार से गुजर रहे पवन एक्सप्रेस में भी रेल पहिया टूटने के वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यात्रियों ने सूझबूझ से रेलवे सफर करने के आ रहे बिना आवाज के बदौलत चेन पुलिंग कर दिया था, जिससे अंत का ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से टल गया। नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना फिर से हो सकती थी। क्योंकि देश में रेलवे एक जीवन रेखा की तरह है, यह पूरे देश को जोड़ती है और साथ ही साथ माल ढुलाई से लेकर हर भारतीय व्यक्ति के जीवन से संबंध रखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना बार बार देखने को मिलती है। आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।